हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, मस्त नहा धोवा के रेडी हो गए हैं और रवि फिलहाल बज रहा है गाइज 10। और अभी जस्ट हम छत पर आए हुए थे, क्या बोलता है, धनिया को पसाने के लिए। और कल मम्मी अचार डाली हुई है, उसको भी डालने के लिए छत पर आए हुए थे, तो उसको तो डाल दिए। फिलहाल धूप अभी उतना नहीं हुआ है, हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी मॉर्निंग टाइम है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। ये हो गया धनिया सुखा के डालें इधर, मतलब धो करके। और ये हो गया अचार आम का, और ये बड़ी कभी डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो आज का नाश्ता में है घुघनी और मूढ़ी। कल मम्मी भूखी थी इसीलिए घुघनी मूढ़ी बनाई है, और मम्मी फिलहाल कद्दू चीर दिए और अभी फिलहाल प्याज को छील रही है, तो फटाफट खाते हैं। तो गाइस, अभी फिलहाल हम चल रहे हैं घूमने के लिए महागामा का पार्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हम जा रहे हैं और हमारे साथ दो फ्रेंड है, अंशु और मुकेश। तो हम लोग निकलते हैं। महागामा हम लोग घर से 12 किलोमीटर पड़ता है, और हम लोग महागामा में प्रॉपर नहीं जाएंगे, जहाँ पार्क महागामा में नहीं है। महागामा से पहले पार्क है ऊर्जा नगर के पास, वहाँ एक राजेंद्र स्टेडियम है, उसके बगल में ही है पार्क है, तो वहीं पर हम लोग चल रहे हैं। एक बार गए थे बट वहाँ घूमे नहीं थे, बस ऐसे देखते हुए चले गए थे। वो राजमहल वाला रास्ता है, वहीं पर पार्क पड़ता है महागामा का। और पार्क छोटा पार्क है लेकिन काफ़ी अच्छा है, समझिए ना कि घूमने लायक है, सही पार्क है। और लाइट लगाया गया ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वाटरफॉल देखने में। 4-5 कलर में वाटरफॉल होने लगता है, तो मस्त लगता है देखने में। झरना हो गया वहाँ पर, मतलब चल के आप लोग दिखाते हैं ना। और ये पार्क खुलता है 5 बजे खुलेगा, और अच्छा देर तक ले रहता है खुला, 8 बजे 9 बजे तक ले खुला हुआ रहता है, फ्रेंड बता रहे हैं। अब देखिए वहाँ चल करके देखेंगे क्या कितना बजे तक टाइम है, वो भी आप लोग दिखाते हैं। ये सामने में आप लोग को जो फील्ड दिख रहा है, बच्चा सब इसमें खेल रहा है क्रिकेट, यही राजेंद्र स्टेडियम है। इसी के बगल में राजमहल जाने वाला रास्ता है, वहीं पर पार्क है, बस थोड़ा दूर यहाँ से बचा हुआ, थोड़ा सा इधर ऊपर टर्निंग बाई से वहीं पे है। पहुँच ही गए हैं हम लोग, कुछ ही देर लगेगा, मतलब 1-2 मिनट ज़्यादा दूर नहीं है। सामने यही है राजमहल वाला रास्ता, इधर हम एक बार आए हैं, ब्लॉग भी मैंने आप लोग देखे होंगे, याद होगा। तो ये रहा पार्क, पार्क के आगे गाड़ी पार्क करने के लिए अच्छा खासा जगह है, तो चलते हैं फटाफट। तो फाइनली गाइस हम लोग पार्क में पहुंच गए हैं, और छोटा पार्क है लेकिन काफ़ी मस्त पार्क है। और इस पार्क में हम गाइस फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, और यहाँ पर नाइट में झरना उड़ने चलता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग को भी पूरे पार्क का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी मस्त पार्क है। वैसे आप लोग देखिए, शाम तो हो गया, 6 बज गया अभी गाइस, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं घूमने के लिए इस पार्क में, और हमारे फ्रेंड्स सब वहाँ पे है, फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहा है। हम इधर थोड़ा हट के आ गए फिर ब्लॉग बनाते हुए। और यहाँ पे जो आप लोग ये गोल सा दिख रहा है ना, इसी में झरना है, जो लाइट होगा तो इसको जलाएगा ना, झरना चलेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए पानी है इसमें, और इसमें भी पानी रहता है लेकिन अभी पानी नहीं है, कहें कि इसमें बरसात में पानी भरता है शायद, ऐसा ही। और इधर भी देखिए, फिलहाल गज लाइट आ गया है और पार्क का लाइट भी ऑन हो गया है। अब कुछ देर में यहाँ पर झरना होना चलाया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल इधर आसपास घूम लेते हैं। बोले यहाँ पर ना कि झरना चलाएंगे उनका भैया, तो बोले कि थोड़ा देर और, थोड़ा सा और शाम होने दो तो चलाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल हम इधर का गार्डन रन देख रहे हैं, ये देखिए छोटा छोटा भी हाल फिलहाल नहीं, पार्क खुला है ना। और ये डस्टबिन है, देखिए ना, लकड़ी के टुकड़ा की तरह डस्टबिन है। तब इसको मिला करके भी देखिए, हमको लगा लोहा है कि क्या, लेकिन प्लास्टिक है। अभी विशेष बड़ा बड़ा नहीं हुआ, देखते हैं ना इधर जो झाड़ी उड़ी जो लगाया गया है, ये सब सजावट का पौधा होता है, सब ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ये पार्क का, इसीलिए भी छोटा है। और लाइट उट सब भी लगाया गया, देख रहे हैं ना चारों तरफ पाया हुआ टाइप में, और सब लोग बीच में गाँच है, काफ़ी मस्त है। इसमें भी फूल नियर फरा हुआ, अभी ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि शाम हो गया है। और इस पार्क के बीच में भी देखिए, यहाँ पर अच्छा खासा लगाया जाता है, ये बीच में गाँच बड़ा हो जाएगा, और साइड साइड से गोल करके बनाया गया ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा रहता तो। और ये हो गया सामने का मेन दरवाज़ा, इधर से होकर के आए थे, और बाइक वाइक सब अपना अपना पार्क किया है, तो इधर से फिलहाल चलते हैं। अच्छा खासा मतलब दरवाज़ा भी है, इधर से होकर चलते हैं। वहाँ पर हमको क्या बोलता है, बत्तख दिखा जो कि पिंजड़ा के अंदर रखा गया है, तो चलिए इसे हाय हेलो कर लेते हैं। ये देखिए इसमें दो गो है जोड़ा,
और बगल में तीन चार वो रखा गया है, इसमें ये सब वो खाना वाना भी दिया गया है। तो गाइस अभी फिलहाल चल रहे हैं, वाटरफॉल को ओपन किया गया, लाइट आ गया है ना, तो मस्त लग रहा है एकदम देखने में। ग्रीन करके हो रहा है वाटरफॉल, और क्या बोलता है पानी ग्रीन हो रहा है, ब्लू हो रहा है, मतलब सब टाइप में लाइट उठ है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं पर चल कर आप लोग को वहाँ का सीन दिखा दें, काफ़ी मस्त लग रहा है झरना। जैसे कि देखिए सभी लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आ गए हैं सब देखने के लिए, सब कोई। फर्स्ट फ्लोर ये देखिए, सेकेंड इतना ऊपर, और थर्ड देखिए इतना ऊपर चला गया। अब धीरे धीरे घट रहा है, तो फाइनली गए वाटरफॉल के पास तो घूम लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमको। और हमारा फ्रेंड सब फादर के लिए गुम हो गया था, तो उसी सबको ढूंढ रहे थे, कॉल किए और उठा के छोड़ दिया, पता नहीं चला कहाँ है। तो फिलहाल वो लोग मिल गया है, ये देखे हमारा वीडियो शूट कर रहा है। अरे क्या कर रहा है यार, बंद करो ना। हाँ बंद करने पर अच्छा लगता है तुम देखने में लाइट। हाँ अरे अंबानी साहब, लाइट ऑन हो गया ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस देखने में, नहीं तो अंधेरा हो गया था तो नहीं दिख रहा था। तो देखिए सभी को अभी फिलहाल वाटरफॉल के पास लगे हुए हैं, हम लोग तो घूम लिए। तुम लोग घुमा के नहीं वाटरफॉल? नहीं नहीं घुमा, बगल में देख ही रहे, घूरेंगे क्या। इससे पहले तुम तो आया है। हाँ हम पूरा ब्लॉग भी बनाया है। हम ही गाइस नए, हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गोरा लग रहे हैं आप। हाँ लाइट भरा हुआ है ना, ऐसे इस पे हाथ मत रखिए तो मारेगा, वहाँ डांटे वो करेगा, बोले वो करेगा। हाँ यस गाइस, एक बच्चा को भी डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए। क्या किया वो, घास में सिर्फ सो गया, तो उसको बोलता है सोया कहाँ है, घास उखड़ जाएगा। बताइए पार्क बनाया कहाँ है, सोएगा नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं। चलिए आगे घूरते हैं और भी। आना यार आओ स्टेडियम को। तो फाइनली गाइस पूरे पार्क तो घूम लिए हैं, तो गाइस अब हम जा चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल की तरफ जाएंगे हम लोग, इलम बिलम करेंगे। इलम बिलम का होता है वही, देखा सुनी करेंगे। हाँ यहाँ पर फोटो को क्लिक हम लोग मॉल में, मतलब सेटिंग यहाँ पे को फोटो क्लिक नहीं, यहाँ फोटो क्लिक करेंगे और इसके बाद निकलेंगे। और काफी बड़ा पार्क नहीं है, छोटा पार्क, लेकिन ठीक ही है, घूमने लायक सही है। क्या बोल रहा है आप, बोलो कुछ। बच्चा शर्मा गया। अभी वाटरफॉल चल रहा है ना गाइस, तो हवा भी चल रहा है ना, इसका फुहारा जो लगता है शरीर में काफी मस्त लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम एसी की तरह लग रहा है। लग रहा है ना, लग रहा है। कहाँ गया मुटका, कहाँ गया अंशुआ, कहाँ गया वो, उसका गर्लफ्रेंड मिल गया है, वही देखने गया है। ए चचा अंशु चचा, चलिए चलिए, गर्लफ्रेंड मिल गया, सही बात है। ए चचा कुछ बोल रहे हैं चचा? ए चचा अंबानी क्या बोल रहा है आपको कि गर्लफ्रेंड मिल गया? तो फिलहाल गए ये वाटरफॉल के पास वीडियो शूट कर रहा है अपना शॉर्ट्स। बहुत करवा बहुत प्रणाम भैया जी, प्रणाम। अरे यार हम कहा बात कर, पास तो रहेगा, गला मिलो यार, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हमको पैर लगे, समझ रहे हैं, हमारे समझ रहे हैं, मिल गए आज। तो ये गाइस ये इनका बाउंसर है, ये देखिए। नहीं भाई है मेरा, अभी तुम्हें नहीं बोला बाउंसर आया है, ऐसे मजाक कर ले। आज इनका गर्लफ्रेंड मिल गया एक। हाँ मिल गया, नाम बताओ। नाम तुमने बताया तुम, फलाना देवी। फलाना देवी, हाँ चिन्ना देवी। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग घर, हम लोग आए थे दो लेकिन हो गए हम लोग चार। देखिए आगे एक फ्रेंड और हम लोग बैठे हैं ये गाड़ी पे। आ ये गड्ढा ऊंचा। अभी कहाँ जा रहे हैं अंशु हम लोग? वैसे भी अंबानी अगर कुछ खिलाएगा तो दुकान जाएंगे, नहीं खिलाएगा तो घर जाएंगे। हाँ देखिए अंबानी तो फिलहाल आइसक्रीम दुकान पास रुका है। क्या अंबानी खर्चा करेगा ना? अच्छा भैया जी करेंगे। हाँ भैया जी ठीक है, भैया जी करिए, चलो एक बोतल पानी खिला देते, हो गया। हाँ ठीक। तो फिलहाल गाइस अंबानी हम लोग को बर्गर खिलाने के लिए लाया हुआ है, क्या अंबानी साहब ठीक है? हेलो कल जियो का सिम ऑफर कर देंगे फ्री में।
जितना रिचार्ज ले सकता है। तो फाइनली गाइस काफी देर वेट करने के बाद हम लोग का बर्गर बनकर आ गया। फटाफट खाते हैं, ये रहा हमारा और ये अंबानी साहब अयांशु अगस्त। तो फटाफट खाते हैं हम लोग। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग घर, टाइम हो गया अभी 7:12। फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं और अभी फिलहाल टाइम हो गया गाइस 8, हम लोग निकले थे 5 बजे, टोटली 3 घंटा हम लोग को लग गया। तो गाइस अभी फिलहाल चलते हैं, वीडियो को एडिट करेंगे, एडिट भी नहीं हुआ है। फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हुए चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद।